तो क्या आपको भी खाने की रुचि खत्म हो गई है और स्मेल भी किसी चीज़ का नहीं आ रहा है, ना ही किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है? तो आपको भी वही सिम्टम्स हुए हैं जो कि मुझे हुए थे। सो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें अगर आपको लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और मैं आज आपको उसमें होम रेमेडीज बताने वाली, जिससे बहुत जल्द जो है ना वो स्मेल और टेस्ट वापस आ जाती है। जब हमें स्मेल और टेस्ट किसी चीज़ की नहीं आती है ना, तो हम हर चीज़ कुत्ते की तरह सूंघते रहते हैं, जैसे लगता है किसी भी चीज़ से हमें कुछ तो स्मेल आए। लेकिन जब आपकी स्मेल ख़त्म हो जाती है तो किसी भी चीज़ को आप स्मेल कीजिए, हाँ अगर कोई चीज़ बहुत हार्ड हो तो उसकी स्मेल आ सकती है, बट जल्दी किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती। और ये क्यों ख़त्म हो जाती है? सो हमारे जो नोज, हमारे जो नाक के बीच में जो ग्रंथियाँ होती हैं, नाक और दिमाग के बीच में जो चीज़ किसी भी स्मेल को हमारे ब्रेन तक उसकी साइन देता है, उसे पहुंचाता है, बीच में कुछ म्यूकस जम जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि हमारा कोई भी चीज़ अगर हम स्मेल करें या फिर किसी भी चीज़ को हम टेस्ट करें तो हमारे ब्रेन तक उसका साइन नहीं पहुँचा पाता है, हमारे ब्रेन उसको नहीं समझ पाता है अच्छे से कि किस चीज़ का स्मेल है। सो इस कारण हमें वो स्मेल समझ में नहीं आती है। सो ना हमें टेस्ट समझ में आता है किसी भी चीज़ का कि हम क्या खा रहे हैं, इसमें नमक है, मिर्च है, इसमें मीठापन, हल्का हल्का मीठापन समझ में आता है, लेकिन नमक वाली चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये सब कुछ कोविड के भी लक्षण होते हैं, लेकिन बिना कोविड के भी ये सब हो सकते हैं आपको, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल की प्रॉब्लम। मुझे सिर में दर्द की प्रॉब्लम हुई थी जिसके साथ मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई। हल्की सी मुझे टाइटनेस थी, फीवर उतना नहीं था, और सिर में दर्द थी, हल्की सी खांसी हुई, उसके बाद अगले दिन से मेरा टेस्ट और स्मेल दोनों गायब हो गया। तो मैंने कौन सा तरीका मैंने अप्लाई किया? एक तरीका तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका है, सेकंड तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे क्विकली आपकी जो स्मेल और टेस्ट की प्रॉब्लम है ना वापस आ जाएगी। देखिए कोई भी चीज़ जाती बहुत जल्दी है, लेकिन उसको लौट कराने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ धीरे धीरे करके आपको इस चीज़ का इस्तेमाल, जो चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ उसके बाद से आपको धीरे धीरे अगले दिन से ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। ऐसा नहीं कि अगले दिन से आपका पूरा का पूरा टेस्ट वापस आ जाएगा, पूरा का पूरा स्मेल वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको हर चीज़ का स्मेल महसूस होने लगेगा आपको, और आप जो खाएंगे वो उसका भी टेस्ट आपको समझ में धीरे 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 आने लगेगा। सो जब टेस्ट वापस आ जाता है तो हमें कोई भी चीज़ खाने में भी अच्छा लगता है और हम उस चीज़ को अच्छे से इंजॉय भी कर पाते हैं। उसके लिए करना क्या है कि आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने हैं, जिसे आम भाषा में अनुलोम विलोम जिसे हम कहते हैं, एक नाक को बंद कीजिए, दूसरे नाक से सांस लीजिए, और उसके बाद उसे दूसरे जिस नाक को आपने बंद किया है उसे छोड़कर दूसरे नाक से सांस को छोड़ दीजिए। इसे आपको एवरीडे 5 मिनट सुबह के समय करना है, सुबह शाम भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको करना क्या है कि जब आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो जाए तो आपको स्टीम लेना है तुरंत, उसके बाद तुरंत लेना है, जब आप अनुलोम विलोम कर ले उसके बाद तुरंत आपको स्टीम लेना है। और स्टीम तुरंत बाद इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अनुलोम विलोम करने के बाद, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारी श्वसन नली जो होती है वो खुली हुई रहती है। अगर आप उस समय स्टीम लोगे, भाप लेंगे आप, तो बहुत ज़्यादा फर्क देगा और आपकी जो स्मेल की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। सो घर में कोई भी बर्तन, उसमें पानी गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और उसमें नींबू डालकर आप स्टीम ले सकते हैं, जिससे आपकी जो स्मेल की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। सो स्टीम वाली मशीनें भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें भी स्टीम ले सकते हैं, लेकिन जो घर पे रहते हैं भगोने टाइप के, उस टाइप में भी आप पानी को भर के उसको उबाल कर हल्का सा, जिसे आप बर्दाश्त कर ले स्टीम को, स्टीम लीजिए, आपकी स्मेल और टेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो बीच में म्यूकस जमा हुआ रहता है उसे वो पिघला देता है, तो स्मेल हमारे ब्रेन तक उसकी साइन पहुंचा देता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस रेमेडीज़ को ट्राई कीजिए।